नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के विदिशा के ग्यारसपुर के पास नेशनल हाईवे क्रमांक 146 में झांसी से इटारसी जा रही कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में एक व्यक्ति का पैर फ्रैक्चर हो गया है, वहीं दूसरे व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर एम्बुलेंस ने पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, वहीं पुलिस ने मामले की जांच करना शुरू कर दिया है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। ये जख्मी दिखाई तो नहीं है, नंबर वंबर उल्टी है। जानवर आ गया, लड़ाई बड़ा का।